हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार होमगार्ड परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के मिक्सचर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे बिहार होमगार्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये इसका मॉडल पेपर नंबर दूसरा होगा। इससे पहले मैंने इसका पहला मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। देखिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट रात के 10 बजे लिया जाता है। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है ₹50। तो ₹50 आप इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं 6392409447। इस पेटीएम नंबर पर आप ₹50 फीस के तौर पर ट्रांसफर कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, लाइव टेस्ट में बिहार होमगार्ड के लिए, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और जो भी हाल ही में बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है उसका लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो लाइव टेस्ट है आपका, वो इस ग्रुप के माध्यम से लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए और इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और फीस जमा कर सकते हैं इस पेटीएम नंबर पर। फीस आप ट्रांसफर करिए इस पेटीएम नंबर और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पुट अप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरजा देवी, किशोरी आमोनकर, वसुंधरा कोमकली, हीराबाई बरोडकर। ऑप्शन ए गिरजा देवी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के 10 प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रतिष्ठित हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर, श्री गुरु गोविंद, श्री गुरु हर कृष्ण, श्री गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी, श्री गुरु गोविंद सिंह। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमरदास, श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु रामदास। ऑप्शन बी, श्री गुरु अमरदास। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन बी, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अगला है क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डॉट की सलाह पर, किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? चर, इरबिल, साल्ट, अम्मान।
ऑप्शन डी अम्मान। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ल्यू, टोग्रो, कयात, मेडिकल। ऑप्शन बी टोग्रो। एशिया में तीसरा सबसे अधिक वाला आबादी वाला देश जो है वो कौन सा है? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन, इंडोनेशिया। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑप्शन बी ब्राजील। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन बी गोदावरी नदी। 14वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। ऑप्शन डी 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ए नीदरलैंड। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, बीज में, पुष्प केसर में, जयांग में, फल में। ऑप्शन डी फल में। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है, अमोनियम की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, पारे की। इस क्वेश्चन का डी वाला जो ऑप्शन है पारे की, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना। ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाज MSC मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैक, इम्परफेक्ट। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? बाहुबली 2, कॉन्क्लूजन, सीक्रेट, सुपरस्टार, जॉली एलएलबी 2, हिंदी मीडियम। ऑप्शन ए बाहुबली 2। अगला क्वेश्चन, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है मैलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग, फिशिंग। ऑप्शन डी फिशिंग। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? निकोसिया, सान सल्वाडोर, क्वीटो, काराकास। ऑप्शन डी काराकास। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? यूरोनियम, रेडियम, बिस्मिथ, थोरियम। ऑप्शन डी थोरियम। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं? क्रैपी, विसा, टेजमेनिया, रोइस।
ऑप्शन सी टैस्मेनिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। ऑप्शन ए नासिक। 27वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वसुदेव। ऑप्शन सी बिंदुसार। मेखला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, असम। ऑप्शन डी असम। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। ऑप्शन डी बांग्लादेश। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, वीवी गिरी। तो दोस्तों, ये थे हमारे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आने वाले आपके VR होमगार्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जो आपका सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।